हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। बात करने वाले हैं पिंडलियों के दर्द के बारे में। रात को सोते टाइम या सुबह उठकर अगर आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द रहता है, ज्यादातर लोग तो इसे सीरियसली लेते ही नहीं हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। लोगों को लगता है कि थकान के कारण पिंडलियों में दर्द हो रहा है, इसीलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पिंडलियों का दर्द यानी कि काफ मसल में जो पेन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। रात को सोते हो ना, तो आराम करने के लिए आपकी पिंडलियों में इतना दर्द होता होगा, चाहे कुछ उस पर बांध भी ले पिंडलियों पर, फिर भी वो दर्द नहीं जाता। फिर एंड में आप यही सोचते होंगे कि शायद हम पेन किलर खाएंगे तो ये दर्द दूर हो जाएगा और हमें अच्छे से नींद आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं चार भागों में डिवाइड कर रही हूँ। इस इलाज को अगर आपने कर लिया, इन चारों के चारों पॉइंट्स को आपने सुन लिया और अच्छे से इलाज किया, तो आपका पिंडलियों का दर्द 100% दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर पिंडलियों का दर्द होता क्यों है, किन लोगों को ये पिंडलियों का दर्द ज्यादा होता है। जो भी लोग सिंपल पानी यानी सादा पानी जो होता है वो खड़े होकर पीते हैं, तो उनको पिंडलियों का दर्द सबसे पहले शुरू हो जाता है, वो चाहे बच्चे हों, यंग हों या बड़े हों। दोस्तों, वो कैसे? क्योंकि जो सादा पानी होता है ना, वो हमारे स्टमक यानी पेट से सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है और इंटेस्टाइन से सीधा नीचे चला जाता है। दोस्तों, ये इंटेस्टाइन के काम को डिस्टर्ब कर देता है और पिंडलियों के दर्द का कारण बन जाता है। आपने ये सुना होगा, जिनको भी लूज मोशन हो जाते हैं उनको खड़े होकर प्लेन पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती। उनको बोला जाता है कि आप पानी में चाहे शहद मिक्स कर लें या नमक मिक्स कर लें, फिर पानी पीजिए। क्योंकि इसके पीछे कारण ही यही है, क्योंकि प्लेन पानी हमारे पेट के अंदर बिल्कुल नहीं रुक पाता। लेकिन अगर हम इस पानी के अंदर कुछ भी मिक्स कर देते हैं, चाहे आप इसके अंदर नींबू मिक्स कर दीजिए, चाहे शहद मिक्स कर दीजिए, चाहे नमक मिक्स कर दीजिए, चाहे चीनी मिक्स कर दीजिए, तो ये पानी भी हमारे स्टमक में पचने में टाइम लगाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको कभी भी प्लेन पानी खड़े होकर नहीं पीना। ज्यादातर लोगों को पिंडलियों का दर्द डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है। जो हम मिनरल लेते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, और सबसे जरूरी मिनरल है सोडियम पोटेशियम। इस मिनरल की कमी से पिंडलियों का दर्द होता है, ऐठन होती है, नंबनेस यानी कि सुनपन आ जाता है, लगातार पेन यानी दर्द रहता है, कभी कभी आप वॉक यानी चल भी नहीं सकते। इसी कारण से ब्लड का फ्लो भी अच्छे से नहीं हो पाता और मिनरल्स की कमी हो जाती है। और भी कई कारण हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं और नॉर्मल सैंडल या चप्पल पहनकर चलते हैं, उनके भी पिंडलियों में दर्द होता है। अगर वो इसी जगह पर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलें तो उनको दर्द नहीं होगा। लेकिन कभी कभार जिनको साइटिका का दर्द होता है, साइटिका का दर्द पूरी टांग में होता है, तब भी पिंडलियों का दर्द शुरू हो जाता है। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक और चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर विजिट करें, अगर आप भी अपनी मोटिवेशन को अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह डायबिटीज है, तो डायबिटीज न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें मसल में स्टिफनेस आ जाती है। नर्व ब्लॉकेज के कारण भी पिंडलियों में दर्द होता है, या शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड या फिर यूरिक एसिड के बढ़ने से भी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं और जानते हैं इस वीडियो के तीन और पार्ट्स के बारे में, जिनके द्वारा हम इस दर्द को दूर कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में तीन एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने अपनी लेग के नीचे, टांग के नीचे पिल्लो रखना है और इस तरीके से हाथों की सहायता से पिंजनियों को ऊपर की तरफ करना है, और कुछ नहीं करना, बस जस्ट अंगूठे से इस तरीके से करिए, हाथों पे मसाज, समझ लीजिए आप मसाज कर रहे हैं अपनी लेग के। दूसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, एक पिल्लो लेना है और वज्रासन में बैठने की स्थिति में, लेकिन अभी वज्रासन में बैठना नहीं है, तो जैसे आपको दिखाया जा रहा है टांगों के ऊपर इस तरीके से आपने पिल्लो रख के बैठना है। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, आपकी पिंजनियों के ऊपर दबाव पड़ेगा और पिंजनियों का जो दर्द होगा, पिंडलियों का जो दर्द है, ऐठन है, वो दूर हो जाएगी। आपने इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को आपने 10 बार करना है, बहुत आसान है इसे करना। तीसरी में आपने सीधे बैठ जाना है और किसी भी चुन्नी से या किसी भी कपड़े से अपनी लेग को इस तरीके से रैप कर लेना है और खींचना है। जब ऐसे खींचेंगे तब भी आपकी पिंडली के जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ खिंचाव पड़ेगा, वहाँ खिंचाव पड़ना भी चाहिए, क्योंकि
कि जो नर्व्स में ऐठन आ चुकी है, अकड़न आ चुकी है, उसको स्मूथ करना ज़रूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले ही दिन में बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे एक्सरसाइज को करना है ताकि आपकी मसल धीरे धीरे स्ट्रेच हो, ये नहीं हो कि मसल में क्रैम्प्स आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आपने खींचना है, बहुत आराम से इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है, पिंडली की इस एरिया पर खिंचाव महसूस होगा। अब जानते हैं दूसरे पार्ट के बारे में वीडियो में। यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, आपको दिखाया जा रहा है हाथ है, और जो मैं दिखा रही हूँ आपको हाथ में यहाँ चैनल्स बने होते हैं। इन चैनल्स को प्रेस करने का मतलब क्या है, इनको प्रेस करना है, आपने स्टिमुलेट करना है इन पॉइंट्स को। तो इनका मतलब क्या होता है, जब आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो मसल्स में आने वाली जितनी भी ऐठन है, चाहे ये मसल की ऐठन आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो रही है, चाहे तो आपकी शोल्डर पे हो रही है, कंधों पे हो रही है, जहां भी हो रही है, तो दूर हो जाएगी। अब ये पिंडलियों पे हो रही है तो भी दूर हो जाएगी। इसके बाद हम पॉइंट प्रेस कर रहे हैं, वो है मास्टर पॉइंट, पिंडलियों के दर्द को दूर करने का मास्टर पॉइंट, जो लिटिल फिंगर के जस्ट साथ वाली फिंगर में ऊपर टॉप पर और नीचे दोनों जगह पर प्रेस करना है। आपको दिखाया जा रहा है हमारे पैर की लिटिल फिंगर, उसके साथ वाली जो फिंगर है उसके टॉप पर प्रेस करना है और नीचे प्रेस करना है। अब आती है बात इलाज करने की। दोस्तों इलाज के अंदर दो तरीके हैं। सबसे पहला कि हमें अपने खून को पतला करना है, जितनी भी बॉडी में सूजन आई है, इन्फ्लेमेशन आई है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऐठन आ चुकी है और खिंचाव और दर्द रहता है, उसको दूर किया जा सके। और दूसरा तरीका है जो भी न्यूट्रिशन की कमी आई है, जो भी मिनरल्स की कमी आई है, उन्हें पूरा करना। तो सबसे पहले नंबर पर खून को पतला करने के लिए और इन्फ्लेमेशन और सूजन को दूर करने के लिए दो चीज़ें हैं, आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन का काम ही है ब्लड को थिन करना, यानी ब्लड थिनर के रूप में काम करती है, खून को पतला करती है। और दूसरी चीज है मेथी दाना। आप इन दोनों में सिर्फ किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अब गर्मियां चल रही है, क्या हम लहसुन खा सकते हैं, क्या हम मेथी खा सकते हैं? तो दोस्तों आप पानी में भिगोकर इन दोनों चीजों का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। आप चटनी बना लीजिए, लहसुन की दो कली लहसुन लीजिए और उसकी चटनी बना लीजिए और उसको एक गिलास पानी के अंदर घोल लीजिए। इस तरीके से ये आपकी बॉडी में गर्मी भी नहीं करेगी ये लहसुन वाला पानी, और आपको फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा रात को मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह इसका इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों में से किसी एक ही तरीके का एक बार में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन लहसुन ले लिया और अगले दिन आप मेथी दाना ले सकते हैं। तो ये था तरीका खून को पतला करने का और इन्फ्लेमेशन सूजन को दूर करने का। अब बात करते हैं जो भी मिनरल्स की कमी आई है, तो वो होते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों आपने पोटेशियम वाली डाइट लेनी है और कैल्शियम वाली डाइट लेनी है। अगर आप चाहते हैं सप्लीमेंट लेना तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, बिल्कुल ही गलत रास्ता है इसका इलाज करने का, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट आप खा रहे हैं वो हमारी किडनी पर डायरेक्ट असर डालते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी किडनी के लिए। ऐसे में क्या होता है, हमारी किडनी और खराब हो जाती है। दोस्तों आज मैं आपको नेचुरल तरीका बता रही हूँ कैल्शियम और पोटेशियम को पूरा करने का। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल का सहारा लीजिए। फलों के अंदर आप पोटेशियम की डाइट को पूरा करने के लिए केला खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, तरबूज का सेवन कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत अच्छा साधन है अगर आप फ्रूट्स यानी फलों के द्वारा पोटेशियम की पूर्ति करें। दूसरी चीज है कैल्शियम। तो दोस्तों कैल्शियम को पूरा करना बहुत आसान है। आप सफेद तिल लीजिए, रात को एक चम्मच सफेद तिल भिगो दीजिए और दिन में कभी भी खा लीजिए। जरूरी नहीं है कि सुबह के टाइम खाना, बस इतना ध्यान रखना है जब धूप हो उस टाइम खाने हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ज्यादा विटामिन डी जाता है तो जितना भी हम कैल्शियम खाते हैं वो हमारे शरीर को लग पाता है और हमारे शरीर के लिए यूजफुल हो पाता है, उपयोगी हो पाता है। तो इसके अलावा कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप तिल खा सकते हैं, आप रागी का सेवन कर सकते हैं, रागी का आप रागी की रोटी बनाकर खा सकते हैं, रागी का दलिया खा सकते हैं, रागी को ऐसे ही रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर दही में मिक्स करके खा सकते हैं। तो इन तरीकों के द्वारा आप कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल के द्वारा आप पोटेशियम की कमी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। पिंडलियों का दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, सुबह उठते हैं या फिर रात को सोते हैं, आपकी टांगों में बहुत दर्द रहता है, आपको ऐसे लगता है कि आपकी कोई टांगों को दबाए या फिर कोई चीज बांधने का आपका मन करता है, तो दोस्तों आप इस तरीके से
बहुत ही आसानी से अपनी पिंडलियों के दर्द को दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको फिर भी ये चीजें गर्म करती हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर की जो प्रकृति होगी वो पित्त वाली होगी, गर्मी वाली होगी, तो आप इस इलाज को कैसे फॉलो करें? तो दोस्तों, दिन में एक बार, सिर्फ एक बार आपने सौंफ वाला पानी पी लेना है। सौंफ वाला पानी कैसे पीना है? जब आपने सौंफ वाला पानी दिन में पीना है, उससे 3 घंटे पहले 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना, डायरेक्ट आपने सौंफ वाला पानी पी लेना है। आप चाहे तो सौंफ भी चबाकर खा सकते हैं। ऐसा करने से पित्त जो प्रकृति के कारण आपको ऐसे लगता है कि ये नुकसान ना कर दे, तो ये चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित, तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।